गाइज, अगर आप अपने देश से दूर हो तो बहुत सारी चीजें आपको परेशान में डाल सकती है। फोन खो जाना, पर्स गुम हो जाना या फिर और भी कुछ जरूरी चीजें। मगर इन सबसे बावजूद आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि आप इसके बिना भी अपने देश पर वापस आ सकते हैं। क्या ये पासपोर्ट के साथ संभव है? सोचिए, अगर आप विदेश में गए और आपका पासपोर्ट खो जाए तो क्या करेंगे? किसी भी शख्स के लिए ये बात एक बुरे सपने जैसी है, मगर बुरे सपने कभी कभी हकीकत में भी बदल जाते हैं। ऐसे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका पासपोर्ट कभी विदेश में घूमने के दौरान खो जाए तो आप क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे आप अपने देश वापस आ सके। सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता लगाएं और गुम हुई पासपोर्ट की रिपोर्ट दर्ज करें। ये बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि इस रिपोर्ट के सहारे इंडियन एम्बेसी से आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट या दूसरा पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इससे आपके काम में तेजी तो नहीं आती है, मगर आपको दूसरा ऑप्शन मिल सकता है। इसके बाद नजदीकी भारतीय एम्बेसी में आप पहुंचे, वो लोग आपको नए पासपोर्ट के आवेदन करने में मदद करेंगे। यहां पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अगर पासपोर्ट चोरी हुआ है तो एम्बेसी को सूचित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके विदेश लौटने में ज्यादा टाइम बचा है तो एम्बेसी आपका रिप्लेसमेंट पासपोर्ट तैयार करवाती है, जो भारत से बनकर ही उस देश में जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक या दो दिन ही बचे रिटर्न ट्रेवल करने के लिए तो एम्बेसी आपके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाएगी। फिर आप भारत आकर दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आपका एम्बेसी में जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो जाने से पहले सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जो आपका दूसरा पासपोर्ट बनवाने के काम आएगा। गुम हुए पासपोर्ट की फोटोकॉपी, पुलिस रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, टिकट और वीजा की कॉपी और एक एप्लीकेशन, ये सब करने के बाद करीब हफ्ता भर लग जाता है आपका पासपोर्ट आने में। लेकिन अगर आपको तुरंत जाना है तो आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट गुम हुआ तो वीजा भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपको उस देश के एम्बेसी में जाकर दोबारा वीजा अप्लाई करना होगा। इसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि पुराने वीजा की फोटोकॉपी, पुलिस रिपोर्ट और जो दूसरे रिप्लेसमेंट पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, ये वो तरीके हैं जो आप पासपोर्ट खोने या फिर चोरी होने के समय अपना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ शांत रहकर सोचेंगे तो आसानी से चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। बाकी मैं तो हूँ ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसी तरह के आप और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करेगा और वीडियो को एक लाइक करेगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।